हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए स्पेशल लौकी के पकौड़े। बच्चों के लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि बच्चों को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो कुछ इस तरीके से आज हम बनाएंगे कि बच्चों को पसंद आए और बच्चे बहुत इजीली लौकी खा लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ली है और उसको छील के अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। इस पूरी लौकी को आप कद्दूकस कर लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर जो लौकी होनी चाहिए वो आपकी अच्छी फ्रेश होनी चाहिए, उनमें मोटे मोटे बीज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है पूरी लौकी को। आप इसको चाहें तो थोड़ी देर रखने के बाद इसको निचोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम इसको निचोड़ेंगे नहीं क्योंकि निचोड़ने से जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्याज डाल दिए है मैंने इसमें, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेसन। बेसन आप 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेसन डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से जो पकौड़े हैं ये क्रिस्पी बनेंगे और बच्चों को पसंद आने वाले हैं। चावल का आटा ना हो तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के लिए। थोड़े से यहाँ पर डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट अच्छा आता है और ज़्यादा मिर्ची भी बच्चों को इसमें नहीं लगती है। तो बस इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक साथ अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। आप इसको हाथ से मिक्स कर लीजिए क्योंकि स्पून से ये अच्छे से नहीं होगा मिक्स। हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इनके फिर पकौड़े हम बनाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है लौकी ने, तो हमारी जो लौकी थी काफ़ी फ्रेश थी और बहुत ही अच्छी थी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बाइंड कर लिया है पूरे डो को। तो ये बिल्कुल डो जैसा ही हो गया है जिस टाइप से हम आटा लगाते हैं, बिल्कुल भी इसने पानी नहीं छोड़ा है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा ये टाइट बना है। तो बस अब तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो गया है। तेल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है वरना पकौड़े जो हैं ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी मेरे तेल में आएंगे मैं सभी एक साथ डाल दूँगी। जब भी हम लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो बच्चे कभी भी उसको नहीं खाते हैं, इवन बच्चे कोफ्ते भी नहीं खाते हैं लौकी के। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों को लौकी खिलाने का। आप इस तरीके से पकौड़े बना के बच्चों को खिला दीजिए जिस भी चीज़ के साथ वो खाना चाहते हैं, सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, इनको दोनों तरफ से मैं फ्राई कर लूँगी। कच्चा नहीं रहने चाहिए ये, अच्छे से इनको दोनों तरफ से फ्राई करना है। गोल्डन कलर इनका आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है, तो मतलब ये हमारे जो पकौड़े हैं लौकी के ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इनको टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर कैसा लगा आपको बच्चों को लौकी खिलाने का तरीका, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी रेसिपी को एक लाइक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।